मध्यप्रदेश के मंदसौर में 21 जून सोमवार को वैक्सीनेशन के महाअभियान की शुरुआत की गई। मंदसौर के जिला अस्पताल में वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा, ऊर्जा मंत्री हरदीप सिंह डंग इस कार्यक्रम में मौजूद रहे। मंदसौर में 91 सेंटर्स बनाए गए हैं जहां 25,000 लोगों को एक दिन में वैक्सीन लगाई जाएगी। मंदसौर में वैक्सीनेशन महाअभियान की शुरुआत की गई। मंदसौर के जिला अस्पताल परिसर में आयोजित कार्यक्रम में प्रदेश के वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा और नवीनीकरण ऊर्जा मंत्री हरदीप सिंह डंग की उपस्थिति में वैक्सीनेशन महाअभियान की शुरुआत की गई। गौरतलब है कि पूरे देश में 21 जून योग दिवस को वैक्सीनेशन महाअभियान के रूप में मनाया जाता है। आज से इस महाअभियान की शुरुआत की गई। मंदसौर जिले में 91 वैक्सीन सेंटर बनाए गए हैं। इस वैक्सीनेशन सेंटर पर तकरीबन 25,000 व्यक्तियों को एक दिन में वैक्सीन डोज दी जाएगी। 100 से अधिक सेंटर बनाए गए हैं और वहाँ हमें 25,000 का टारगेट मिला है। हम लोग ये कोशिश कर रहे हैं कि 30,000 से ज़्यादा वैक्सीन लगाई जाए। सभी जगह सारे इंतजाम किए जा चुके हैं, वैक्सीन पहुँच चुका है। वैक्सीनेशन सेंटर पे लोगों को व्यवस्थित रूप से टोकन का वितरण किया जा चुका है। वहाँ पे छाया की, पानी की, जो भी ज़रूरी आवश्यकताएं हैं वो पूर्ति की गई है। लोगों को 3 दिन पहले से ही जागरूक किया गया है, इनवाइट किया गया है। सभी जगह काफ़ी मात्रा में लोग उपस्थित हो गए हैं और वैक्सीनेशन बड़े पैमाने पर चल रहा है। हम लोग उम्मीद करते हैं कि शाम तक हम लोग जो हमें टारगेट मिला है उससे काफ़ी आगे संख्या में वैक्सीनेशन पूरा करेंगे। आज कितना टारगेट है? आज हमारा 25,000 का टारगेट है और जैसा हमने आपको बताया कि हम 30,000 से ज़्यादा वैक्सीन करने की कोशिश कर रहे हैं। 30,000 सर आज ही लगेंगे? सर आज ही लगने की बात हम कर रहे हैं। इसके अलावा पूरे 30 तारीख तक तो हर दिन जो टारगेट्स मिलेंगे उसके बारे में हम आपको बताएंगे। आज 25,000 का टारगेट है, उसके अगेंस्ट हम 30,000 करेंगे। जिले के समस्त वासियों को बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ कि इतने उत्साह के साथ इस महाअभियान में उन्होंने हिस्सा लेकर आज जोश जो दिख रहा है उनको बधाई कि जिस प्रकार से माननीय नरेंद्र जी मोदी साहब और शिवराज सिंह जी चौहान साहब ने जो आह्वान जनता को करा था और मोदी जी ने जिस प्रकार से पूरे भारत में निःशुल्क वैक्सीनेशन का जो काम प्रारंभ कराया है, तो आज अभियान जो चालू हुआ है उसमें ग्रामीण क्षेत्र की जनता, शहर की जनता लगातार जो उत्साह बनाकर लाइनों में जो देखा जा रहा है वैक्सीनेशन करवा रही है। मैं आपके माध्यम से भी, क्योंकि एक पत्रकारिता की भूमिका एक समाज के प्रति जो होती है उसमें आपको भी धन्यवाद दुआ कि मंदसौर ज़िले के पत्रकारों ने जिस प्रकार से अपनी भूमिका निभाई है और जागरूक करा है नागरिकों को और जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों ने, आज ये रिजल्ट आ रहा है। और आपके माध्यम से अपील करना चाहता हूँ कि समस्त देशवासी, हमारे क्षेत्र के व्यक्ति वैक्सीनेशन करवाएँ जिससे देश भी सुरक्षित हो सके। अगर आप अपने परिवार को प्यार करते हैं, आपके गांव को प्यार करते हैं, आपके शहर को और आपके देश को प्यार करते हैं, तो वैक्सीनेशन जरूर करवाएं और सुरक्षित रहें। धन्यवाद। आज मंदसौर जिला मुख्यालय पर टीकाकरण का महाअभियान का शुभारंभ किया है और हमारे अनेक बंधु यहां पर आज आए हैं, माता बहनें सभी जिनका आज टीकाकरण किया जाएगा। और पूरे ज़िले में हमारे अनेक स्थान पर अनेक सेंटर बनाए गए हैं, वहाँ की पूरी तैयारियाँ 5 दिन पहले से हमारी प्रशासन की ओर से की गई है। सभी लोग लगे हैं, प्रशासन के भी हमारे तमाम जितने भी बड़े अधिकारी भी हैं वो भी लगे हैं, जनप्रतिनिधि लगे हैं और भी सारे लोग लगे हैं। हम तो इस समय यही अपील करना चाहेंगे, सबसे विनम्र हाथ जोड़ करके प्रार्थना करना चाहेंगे कि एक भी व्यक्ति, एक भी परिवार में कोई वैक्सीनेशन के बिना न रहे, हर व्यक्ति वैक्सीनेशन लगाए। चूँकि जान बचाने का सबसे बड़ा, अगर कोई इस कोरोना के संकट से अगर बचा सकता है तो वो वैक्सीन ही बचा सकती है। और मास्क लगाने का काम हर व्यक्ति को बिल्कुल नियमित रूप से करना ही चाहिए। हम सब लोग इस बात का विशेष ध्यान रखें, सावधानी हमको बरतना पड़ेगी, लाइफ स्टाइल हमारी चेंज करना पड़ेगी, हमको निरंतर मास्क लगा के भी रहना पड़ेगा, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना पड़ेगा, शादी ब्याह, सामाजिक कार्यक्रम, भीड़ भड़क्के से हमको बचना चाहिए। इस बात के लिए हम सब मिलकर के प्रेरित करें लोगों को, क्योंकि ये सबका काम है, किसी एक व्यक्ति का काम नहीं है। और मैं तो आपको भी धन्यवाद दूंगा, सारे हमारे प्रिंट मीडिया के, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सब साथियों को, कि आप लोग भी इस अभियान को निरंतर जनता तक पहुंचाने का काम करते हैं। वास्तव में आप भी बड़ा काम करते हैं, आपको भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। पूरी है, लेकिन सरकार और हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान के मार्गदर्शन में पूरा प्रदेश इस बात के लिए चिंतित है, जो व्यवस्थाएं माकूल होना चाहिए वो व्यवस्थाएं पूरी तरह से हो रही। माननीय प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में आज 21 जून से टीकाकरण का महाअभियान चल रहा है और टीकाकरण चालू कर दिया गया है। लगभग कितने डोज? 300 डोज का टारगेट है।
आप लोगों से क्या अपील करोगे? लोगों से यही अपील करना चाहूँगा कि अधिक से अधिक संख्या में वो सभी जन आके टीकाकरण करवाएं, यही निवेदन करेंगे। प्रदेश में 21 जून से 30 जून तक टीकाकरण अभियान चल रहा है, आप भी वैक्सीन जरूर लगवाएं, पूर्णतः सुरक्षित है, मैंने भी लगाई है, और आसपास के गांव वालों को प्रेरित करें, मोहल्ले वाले को, घर वाले को, सबको प्रेरित करें, जरूर लगवाएं, वैक्सीन पूर्णतः सुरक्षित है। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में महाअभियान टीकाकरण का शुभारंभ किया गया है और पर्याप्त मात्रा में अपने को कोविड-19 वैक्सीन प्राप्त हुई है। जो भी व्यक्ति यहाँ आएगा प्रांगण में, उनको सबको टीका लगाया जाएगा, कोई वंचित नहीं रहेगा। और हम सभी ग्रामवासियों से आह्वान करते हैं कि टीका लगवाएं और सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत। लगभग कितने डोज मिले? अभी हमको 300 डोज प्राप्त हुए थे, लेकिन अभी फिर सूचना प्राप्त हुई है कि डोज बढ़ाए जा रहे हैं और पर्याप्त मात्रा में डोज अपने पास पर्याप्त हैं। अभी नाहरगढ़ क्षेत्र में कितने केंद्र बनाए गए हैं? नाहरगढ़ क्षेत्र में अभी नाहरगढ़ और सूंटी दो क्षेत्र बनाए गए हैं। सूंटी में अभी कार्यक्रम टीकाकरण का कार्यक्रम संचालित किया जा रहा है। कितने दिनों तक चलेगा ये? आज के लिए है और अभी 30 तारीख तक निर्धारित किया गया है। जिले में 21 जून से 30 जून तक महा टीकाकरण अभियान होने जा रहा है, जिसमें नाहरगढ़ प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर भी टीकाकरण होने जा रहा है। हमारे साथ यहाँ के पटवारी मौजूद है, उनसे चर्चा करेंगे। हाँ, बताइए क्या व्यवस्था है टीकाकरण के? माननीय प्रधानमंत्री महोदय, भारत सरकार की तरफ से जो कोविड वैक्सीन टीकाकरण का महाअभियान चला गया है, उसके तहत आज नाहरगढ़ प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर 300 टोकन प्राप्त हुए हैं। इसके अतिरिक्त भी अगर कोई व्यक्ति और भी आता है 300 के अलावा भी, तो उनको भी हम टीका लगाएंगे। और मेरी लोगों से यही अपील है कि अधिक से अधिक टीका मतलब आए यहाँ प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में, टीका लगवाएं, टीका सुरक्षित है, सबने लगवाया है, आप भी लगवाएं। इस तरह ये व्यवस्था 45+ वालों को भी है और 18+ वालों के लिए, 18 से 44 तक वालों के लिए एक जगह टीका लगाया जा रहा है, 45 साल से ऊपर वालों को दूसरी जगह टीका लगाया जा रहा है। सेकेंड डोज भी जिनके 84 दिन पूरे हो गए हैं उनको सेकेंड डोज भी लगाया जा रहा है। आप लोगों से क्या अपील करोगे? मैं लोगों से यही अपील करना चाहता हूँ कि टीका सुरक्षित है, सबको टीका लगवाना चाहिए, मैंने लगवाया है, आप भी लगवाइए। हमने यहाँ के पटवारी राजचंद्र चंदेल जी से बात करी है, जिन्होंने बताया कि टीकाकरण जरूर लगाएं, सुरक्षित लाए। खबर एक्सपर्ट भी अपील करता है कि आप भी टीकाकरण जरूर लगाएं। मंदसौर से लखन सेन के साथ ललित संगठागढ़, खबर एक्सपर्ट मंदसौर।